और बिहार के भी तीन फेज के आंकड़े देख लेते हैं। बिहार के पहले तीन फेज में 14 सीटें थी और उनमें से 10 से 13 जाती हुई एनडीए को, और ये ओवरलैप यहां पे काफी ज्यादा दिख रहा है 3 से 6 का इंडिया गठबंधन को। लेकिन इसी तरीके से दिख रहा है कि जैसे पिछली बार स्वीप हुआ था उसी तरीके से इस बार भी स्वीप होता दिख रहा है यूपी और बिहार में। थोड़ा बहुत 1-2-3 सीट का अगर नुकसान होता भी है तो हम दक्षिण के आंकड़े देख चुके हैं कि दक्षिण में काफी फायदा हो रहा है। और बंगाल के भी आंकड़े आ गए, बंगाल के पहले 3 फेजेस के आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। पहले 3 फेजेस में 10 सीटों पर जो नतीजे आए हैं वो 6 से 9 सीटें बीजेपी के खाते में, बीजेपी के खाते में जाती हुई साफ तौर पर दिख रही है। बड़ा झटका इंडिया को, 0 सीट यहां पर, क्योंकि टीएमसी अलग से लड़ रही है यहां। जी हां, लेकिन 6 से 9 अगर पहले 10 में आ रही हैं तो टीएमसी को बहुत नुकसान होता वहां दिख रहा लग रहा है बंगाल में, अगर ये अनुमान जो है वो नतीजों में तब्दील होते हैं। मतलब मुझे ये पता करना है कि पहले 3 फेजेस में टीएमसी के, नहीं नहीं टीएमसी का है वहां 3 से 6 सीटें, वहां पर आपको अन्य मेरे ख्याल से टीएमसी है ना। हाँ, वही अगर 6 उधर आती हैं तो 4 उधर चली जाएंगी, मतलब जो है बटेगा बीजेपी और टीएमसी में इन 10 सीटों में। कांग्रेस सीपीएम को कुछ मिलता दिख नहीं रहा है, कांग्रेस और लेफ्ट को। लेकिन 3 फेज जो बिहार के हैं वहां पे 13 तक जा सकता है एनडीए, जो 3 फेज बंगाल हैं जो 10 सीटों का उसमें 9 तक जा सकता है, जो 3 फेज 26 सीटों के यूपी के हैं उसमें 25 तक एनडीए जा सकता है, और कम भी हो रहा है तो ज्यादा कम नहीं हो रहा है, 22 तक ही नीचे जा रहा है। तो ये बहुत बहुत बड़ा बड़ी एक स्वीप लग रही है, और उस तरीके से ही लग रहा है जैसा बीजेपी बता रही है। मतलब जैसा हमारा मेगा एग्जिट पोल था, माफ कीजिएगा, मेगा ओपिनियन पोल था, लगभग उसी तरफ जाता हुआ ये पूरा का पूरा, लगभग वही जो बात बीजेपी कह रही है लगातार, कहती रही है लगातार, उसी दिशा में जाती दिख रही है। क्योंकि दक्षिण में अगर अलायंसेस से फायदा हो रहा है तो बिहार में, बंगाल में, इधर यूपी में बीजेपी खुद उसी तरीके से मजबूत बनी हुई है, ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। विवेक श्रीवास्तव, देखिए उन्होंने कहा कि हम साउथ में कमाल करेंगे, वो एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में धमाल करेंगे, वो धमाल पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है। इस लिहाज से तो 400 पार का नारा अब तक अगर मैं कहूं तो वहां उसे क्लोज आप पहुंचते हुए देख रहे हैं। अभी 89 से 95 सीटें एनडीए के खाते में। और अगर ये अभी पहले 3 फेज के आंकड़े इन 3 राज्यों के हैं और बाकी राज्यों के पूरे आंकड़े हैं, तो विवेक जी जो 295 का आंकड़ा दिया है विपक्ष ने, वो तो होता दिख ही नहीं रहा। देखिए अगर मैं इस एग्जिट पोल को और जो कैलकुलेशन खड़गे जी ने दिया था 295 का, अगर बाकी डिटेल में तो खैर हम लोग को, वहाँ पे एक डिबेट हुई आंध्र प्रदेश में जिसको शायद एग्जिट पोल में कंसिडरेशन में नहीं लिया गया है, वो ये थी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP के घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण दिया गया है तो बीजेपी उसके साथ है या नहीं। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स, मेरे हिसाब से केरला में, तमिलनाडु में ठीक है 1 या 2 या 3 सीट पे हमारी और आपकी मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन आंध्र प्रदेश में हम आपसे एग्री नहीं करेंगे। आंध्र प्रदेश में मेरे हिसाब से इट इज द अदर वे अराउंड, दिस इज माय एनालिसिस। जी तेलंगाना में भी जहां कांग्रेस की सरकार है, नहीं हाँ, अब देखिए जब एक डेफिनेटली टाइम पीरियड बढ़ जाता है तब एंटी इनकम्बेंसी दिखती है, लेकिन तेलंगाना के अंदर एक बहुत जोश के साथ वो मुख्यमंत्री काम कर रहा है तो मेरे हिसाब से उसके अंदर भी थोड़ा सा मैं करेक्टिव फैक्टर जरूर। विवेक ये तो साउथ की बात होगी ना, मुझे पश्चिम बंगाल का बताइए, मुझे उत्तर प्रदेश का बताइए, वहां पर भी अच्छा खासा 1-2-3 फेजेस में करती हुई नजर आ रही है बीजेपी। देखिए मैंने आज एक अपनी तरफ से जो फिगर जो मुझसे मांगा गया था, मैं आपके चैनल पर जब बैठा हुआ था तो मैंने रफली, अमन जी ने जब मांगा था तो मैंने कहा था आई मीन बहुत अच्छा पॉजिटिव अगर मैं समझूंगा तो भी 50+ के करीब मैं एनडीए को मानता हूं, तो एंटी इनकम्बेंसी का आपको कंसिडरेशन करना पड़ेगा। हमारा ये मानना है इंडिया पर वो एंटी इनकम्बेंसी आप देखिए ना, वो साउथ से आती हुई नजर आ रही है, मतलब उसकी भरपाई करते हुए वो दिख रहा है। मैं आपसे बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ, केरला तमिलनाडु में हमारी और आपकी कैलकुलेशन में 1-2-3 सीट का फर्क है, केरला में भी और तमिलनाडु में भी, और रियलिस्टिक है ये हमारा। सत्यप्रकाश जी भी हमारे साथ मौजूद है। सत्यप्रकाश जी, ये जो अभी किशोर कह रहे थे कि 295 का आंकड़ा फिर कैसे पूरा हो पाएगा इंडिया गठबंधन ने जो दिया है, आप एक बात को समझिए, जो बताया ना कि बलि का बकरा, तो बलि के बकरे को एक पट्टा भी पहनाया 295 का, एक ख्याली पुलाव बनाया। सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार की साख और उनकी बातों को जनता ने सुना है और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके और तमाम मीडिया और जो भी सर्वे कराने वाली एजेंसी हैं उसके तमाम एग्जिट पोल्स में।
स्पष्ट मत है कि अगर वो 400 का आंकड़ा एक बड़ी चुनौती लेकर बढ़े थे और 359 तक करीब करीब अन्य में दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, एक जगह ये एंटी इनकम्बेंसी विवेक जी स्वीकार करते हैं और आंध्रा पहुंचते हैं तो वहां कहते नहीं मुस्लिम रिजर्वेशन का। सच्चाई ये है कि वहां ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था और नरेंद्र मोदी और जो ये तीन पार्टियां थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, तेलुगु देशम और एक वो मैं नाम बोल रहा हूं उनका, उन पार्टियों ने मिलकर एक बेहतर प्रदर्शन किया तो वहां स्वीप कर रहे हैं। इसी तरह कमोबेश स्थिति 0 से 5 सीट तक अगर तमिलनाडु में ओपनिंग हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का 7 बज चुके हैं, आपकी इजाजत से, किशोर की इजाजत से एक बार फिर से बता देना चाहती हूं कि 181 सीटों के एग्जिट पोल के नतीजे हम अब तक बता चुके हैं न्यूज 18 इंडिया पर। आप ऊपर की जो पट्टी देख रहे हैं वहां पर 89 से 95 सीटें जो एनडीए को मिलती हुई दिख रही है और महाराष्ट्र का आ गया है नतीजा। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जहां पर सबकी नजरें हैं, 48 सीटें महाराष्ट्र की पार्टियां बढ़ गईं, टूट गईं, नुकसान होता दिख रहा है एनडीए को, लेकिन बहुत बड़ा नहीं, 25 से 32 माफ कीजिएगा एनडीए को जाती दिख रही है और 15 से 18 विपक्ष को, यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी की पार्टी को 15 से 18 ही मिलती दिख रही हैं। और पिछली बार जो सीटें मिली थी ना बीजेपी को, 23 मिली थी। और गुजरात में फिर क्लीन स्वीप है, कोई खाता नहीं खुलने की उम्मीद है गुजरात।